आज हाथरस के मुरसान में भारतीय किसान यूनियन संगठन की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक में आए अन्य जिलों से पदाधिकारियों को उनमें से ही पदाधिकारी नियुक्त कर मनोनीत किया। वहीं पर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह को हाथरस का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया और किसानों को लेकर समस्याएं दूर कराने को लेकर विचार विमर्श किए गए। आज जो राष्ट्रीय बुद्धिया कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम है और क्यों हुआ है? ये एक समीक्षा और कार्यकर्ताओं की होली है, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, इसको लेके हम जिला स्तर पर जगह जगह जाके अपना कार्यक्रम करके संगठन को मजबूती बनाएंगे और किसानों की आवाज़ बुलंद करनी है। बहुत जल्द में ही हम लोग केंद्र मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, जिससे कि किसानों की समस्याओं के सुधार सकते प्रतिनिधिमंडल हमारा मंगलवार को जा रहा है। कौन सी पार्टी में सेवा दे चुके हैं आप? हम, मैं तो वैसे तो समाजवादी पार्टी से हूँ, उसकी जेल विजिट करेंगे सेंटर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब, आज ये कार्यक्रम हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है? अभी आपको बता दें कि हम लोग हर जिले पर अपने जिलाध्यक्ष जो है उनके माध्यम से एक समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं हर जिले पर। आज हमारे हाथरस जनपद में है और ये चैलेंज जी है, हमारे हाथरस जनपद के जिलाध्यक्ष हैं, इनको मनोनीत किया गया है और इनके माध्यम से यहाँ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें संगठन को लेके चर्चा की गई है और विस्तार से उस संगठन को लेके उसमें बहुत सारी समस्याओं को लेके चर्चा हो रही है। अच्छा, आप लोग किसान आयोग की गठन की मांग उठा रहे हैं, क्या सरकार क्या आश्वासन दे रही है? मुलाकात भी कर रहे हैं आप लखनऊ जाके? अभी आपको बता